गिरिडीह पुलिस को भूमाफियाओं का सहयोगी बताते हुए मंगलवार को झंडा मैदान में किसान मंच ने किसान पंचायत का आयोजन किया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भूमाफिया जब किसान बॉबी देवी की जमीन को नहीं छीन सके तो पचम्बा थाना प्रभारी ने बॉबी देवी के बेटा दीपक गोस्वामी पर छेड़खानी का झूठा मुकदमा रजिस्टर कर पोस्को एक्ट में जेल भेज दिया। जबकि घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भूमाफिया लोग दीपक गोस्वामी के साथ छिनतई और बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। किसान मंच के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष योगेश्वर ठाकुर ने कहा कि बरमसिया मोर्चा के जिस जमीन पर चरिया गांधी के देवी हजांग एवं कच्चे कुमार के वंशज वर्षों से दखल कर चले आ रहे थे, उस जमीन पर गिरिडीह पुलिस लठैत बनकर भूमाफिया को कब्जा दिला रहे और पैसा के लालच में उपायुक्त गिरिडीह के पत्र की धज्जियां भी उड़ा रही है। किसान मंच के लोगों ने कहा कि भूमाफिया और पुलिस द्वारा किसानों पर ढाए जा रहे जुर्म के खिलाफ हम पूरे दमखम के साथ आंदोलन करेंगे और किसी भी हालत में किसानों को जमीन छीने नहीं देंगे। इस किसान पंचायत में संचित गुप्ता, विजय कुमार, अन्ना मुर्मू, दास मुर्मू, नवी अंसारी, थामी मंडल, घनश्याम पंडित, छत्रधारी सिंह, खुशबू देवी, संतोष वासकी, अब्दुल अंसारी, जब्बार मिया, गुलाम मिया, अलहाद कुल, धनेश्वर यादव, दीपक ठाकुर सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। पूरे गिरिडीह जिला में भू माफियाओं ने आतंक मचा के रखा है और उस आतंक मचवाने में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो पुलिस है। अभी पचम्बा पुलिस एक भू माफिया को जमीन दिलवाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति दीपक गोस्वामी को जेल भेज दिया। उस दीपक गोस्वामी को जिसके साथ छिनते हुआ, उस दीपक गोस्वामी को जिसके साथ जान मारने का प्रयास किया गया, उसी व्यक्ति को जेल भेज दिया गया और जो है अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा है। अभी गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में भी जरिया गादी के जो किसान थे, जो 500 वर्षों से उस पर दखलकार थे, वहाँ भू माफिया को मदद करने के लिए नगर थाना का पुलिस लाठी लेके आता है और उसके लठैत के रूप में काम करता है। इसलिए हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बृहद रूप में आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को हम लोग जिला से लेके राज्य स्तर तक जो है सो ले जाएंगे। इसी को लेके आज किसान पंचायत आयोजित किया। हमारा जमीन जो है परमसिया मोजा में जमीन है, वहाँ 1 acre 1 decimal और 57 decimal की जमीन है। वहाँ पर हम किसान मंच रहते हुए हमारे जमीन में भी जमीन माफिया द्वारा और थाना से मदद लेने के पश्चात वहाँ जो थाना प्रभारी जा करके उनको साथ दे करके वहाँ पर आपका काम करवा रहे हैं। वहाँ पर एक ही जमीन हमारा झरिया गांधी मोजा से बनवसिया मोजा तक चला गया है और 34 के हिसाब से मेरा जमीन है, 1911 का जमीन है। वहाँ पर बहुत से पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे, हमारे परदादा के लोग उस जमीन को घेर कर रखा था, उस ग्राउंड को तोड़ करके अपने ग्राउंड दे करके वहाँ पर काम किया जा रहा है और वह जमीन उसका 73 खाता नहीं है, 63 है, 63 को 73 बना दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग आज बैठे हुए हैं कि जमीन माफिया जो दलाल है उसके मिलजुल करके जो थाना प्रभारी लूटने का काम कर रहा है जमीन को, उसका विरोध हम लोग करते हैं। आए दिन हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश हो गए किसान मंच के द्वारा। बरगंडा रोड में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कोलकाता फर्नीचर, जहां अल्टीमेट टर्किश मॉडल और डिजाइनर फर्नीचर का हैवी कलेक्शन मौजूद है। जी हां, यहां बेड, दीवान, सोफा, कॉर्नर सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब वगैरह के डिजाइनर प्रोडक्ट उपलब्ध है। यहां बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा शानदार डिजाइन की फर्नीचर तैयार करवाई जाती है। यहां ओपनिंग ऑफर के तहत 20% का हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगन के मौके पर अपने पसंद के फर्नीचर की करें जमकर खरीदारी। यहां बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, कोलकाता फर्नीचर, गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट, बरगंडा रोड, गिरिडीह।